कान में ईयरफोन्स डाल लो, क्या डाल तो हेलो गाइस, सो गाइस आपने भी जो स्क्रीन पर वीडियो देखा उसी टाइप का आज हम स्टेटस बनाना आपको सिखाएंगे। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना तभी आप अच्छे से बनाना सीख पाओगे। ओके गाइस, और गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, और गाइस वीडियो अच्छा लगती है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो बनाने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, उस ऐप का नाम है अलाइट मोशन। तो अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेने से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आप जैसे अलाइट मोशन ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो नीचे प्रोजेक्ट के सामने, सॉरी प्लस के साइड में एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है नीचे, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे बीटमार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने बीटमार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लिया हूँ। तो फाइनली यहाँ पे बीटमार्क को ओपन करने बाद अपने को यहाँ पे बीट, जैसे ही बीट लगे हैं वैसे आपको फोटो ऐड करना, तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो में जाना, व्यू एल पे क्लिक कर देना। सो व्यू एल पे क्लिक करने बाद अपने को यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेना, तो मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करने बाद प्लस पे क्लिक कर देना और एंड इस वाले एरो पे क्लिक करना, तो नेक्स्ट बिट तक आ जाएगा। देन आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना, फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। देन फिर से प्लस पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो इमेज एंड वीडियो पे क्लिक कर देना, और फिर से नेक्स्ट वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेना। और गाइस इस वीडियो में जो भी फोटो को यूज़ करूँगा सभी फोटो की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं करो तो इन कर लेना। सो फोटो सिलेक्ट करना, फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करना, नेक्स्ट बिट तक आ जाएगा। आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। सो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है। तो गाइस इसी तरह से आपको सभी फोटो को एक एक फोटो जैसे बीट लगे वैसे ऐड कर लें, तो मैं सभी फोटो एक साथ ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो गाइस देख सकते हो मैं हमें यहाँ पे सभी फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो आपको भी सभी फोटो ऐड कर लेना है जैसा बिट लगा है वैसा ही। ओके, फोटो ऐड करने के बाद अपने को यहाँ पे इन फोटो में शेक इफेक्ट को ऐड करना, तो बेगा जाना और शेक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो यहाँ पे शेक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक कर देना है, देन इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। थ्री डॉट मैंने इस इफेक्ट को अपने को यहाँ पे कॉपी कर लेना, सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद बेगा आ जाना और फिर से बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। जैसे बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन करोगे तो यहाँ से अपने को फोटो को, सॉरी गाइस यहाँ पे इधर स्क्रॉल कर लेना है नीचे, और यहाँ पे जैसे फोटो लगाए तो यहाँ पे देख सकते हो फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डी में पेस्ट कर लेना है। फिर से नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डी में पेस्ट कर लेना। सो नीचे स्क्रॉल कर लेना है, तो कहाँ तक अपने को यहाँ पे पहला इफेक्ट नंबर वन करके लगा के रखा हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अपने को यहाँ तक आपको पहले वाले इफेक्ट को पेस्ट करना। ओके, तो मैं सो यहाँ तक अपने को पहले वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। ओके, तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, इन दो फोटो में कर लिया। अब यहाँ पे पेस्ट करना है तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, तीनों में पेस्ट कर लेना। तो इसी तरह से आपको सभी फोटो में कर लेना है, मैं सभी फोटो में करके दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो यहाँ तक कर लिया हूँ, एंड फिर से नीचे स्क्रॉल कर लेना है और फिर से देख लेना है। फर्स्ट वाले इफेक्ट को मैंने यहाँ से यूज़ किया हूँ, तो यहाँ तक किया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे गाइस 11.106 तक। ओके, देन फिर से यहाँ तक करना अपने को 7.24 तक आ जाना है, देन फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डी में पेस्ट कर लेना है। तो फिर से नेक्स्ट फोटो पे आ जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डी में पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मतलब 11.6 तक इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट जान पेस्ट कर लेना है। तो मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, और हाँ गाइस अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे 11.6 तक कर लिया हूँ, तो आपको भी कर लेना है। देन इतना करने के बाद फिर से बैग आ जाना, और बैग आने का फिर से शेक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद अब जो सेकंड नंबर का इफेक्ट होता है उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री में इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना। कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बैग आ जाना, और फिर बैग आने के बाद फिर से बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो मैं ओपन कर लिया हूँ, सो ओपन करने के बाद अब अपने को नीचे स्क्रॉल कर लेना है,
और यहाँ पे देख लेना गाइस, यहाँ से मैंने सेकेंड इफेक्ट यूज़ किया हूँ, तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कर लेना, फोटो पे क्लिक कर देना, देन इफेक्ट में जाना, थ्री में इसे पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद फिर से इधर स्क्रॉल करना, नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। तो इसी तरह से आपको कर लेना है, कहाँ तक जहाँ तक दूसरा इफेक्ट लगाए वहाँ तक आपको कर लेना है। ओके, तो मैं कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दूसरे इफेक्ट को यहाँ तक कर लिया हूँ। देन फिर से आगे स्क्रॉल करने के बाद फिर से देख लेना है कहाँ तक दूसरे इफेक्ट को यूज़ किया हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ तक यूज़ किया हूँ। ओके गाइस, तो आपको भी देख लेना और कर लेना, तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। देन फिर से ऊपर आ जाना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, फिर मैं पेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सभी फोटो में कर लेना। और हाँ गाइस, वीडियो को प्लीज़ आप फुल वॉच करना, तभी आप अच्छे से बनाना सीख पाओगे। ओके गाइस, और गाइस आपके सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना। तो गाइस देख सकते हो, मैं सभी फोटो में कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, मैंने यहाँ तक सभी फोटो में कर लिया हूँ, तो आपको भी कर लेना। ओके, देन फिर से बैग आ जाना, और बैग आने के बाद फिर से एक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। देन ये तीसरे नंबर का इफेक्ट होता है, उस वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री में इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना गाइस। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, जैसे ओपन कर गए तो अब लास्ट में आ जाना, जितनी फोटो बची हुई है उतनी सही फोटो में ऐड कर लेना। नीचे स्क्रॉल करके देख लेना कहाँ से तीसरे इफेक्ट को यूज़ करना है करके, तो यहाँ से अपने को तीसरे इफेक्ट को यूज़ कर लेना। ओके, यहाँ से जितनी फ़ोटो बची उन सभी फ़ोटो में इस तीसरे इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है गाइस। तो आप एक 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 करके सभी फ़ोटो में कर लेना। ओके, तो मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा जल्दी से। ओके, सो गाइस देख सकते हो, मैंने सभी फ़ोटो में इफेक्ट को ऐड कर लिया। अब इफेक्ट ऐड करने के बाद वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके सारे दोस्तों में शेयर करना और एक लाइक जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।